बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक है? तो आई गेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन रीच्ड। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 70 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि बहुत अच्छी तादाद है। मॉर्निंग अलबत्त 100 होते हैं पूरे, माशाल्लाह। तो चले लेट स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर करना चाहूंगा जो हमने लास्ट टाइम भी शेयर की थी। चले जी, तो ये आपके पास आपको याद होगा लास्ट क्लास हमारी हुई थी, एथिक्स का इंट्रोडक्शन हमने किया था और हमने पढ़ा था कि एथिक्स क्या होते हैं। जी, एथिक्स आर द राइट्स एंड रॉन्ग्स। और एथिक्स ये मिसकंसेप्शन दूर करते हैं, हमने लास्ट टाइम में बात की थी कि सही को भी कहते हैं और गलत को भी कहते हैं, तो दोनों एथिक्स होते हैं। एक सवाल जो मॉर्निंग में किया गया था, तो सर फिर अनएथिकल क्यों कहते हैं बुरी बात को? तो एथिकल और अनएथिकल एक वर्ब है। एक्शन को जब डिनोट करना हो तो हम एथिकल या अनएथिकल वर्ड यूज करते हैं, एथिकल अच्छे के लिए और अनएथिकल बुरे के लिए। लेकिन अगर नाउन की बात की जाए तो एक ही नाउन है एथिक्स, गुड एथिक्स और बैड एथिक्स। ठीक है जी, ये दो नाउन्स की फॉर्म में आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो राइट एंड रॉन्ग के आपके सिस्टम को, आपके कॉन्सेप्ट को हम एथिक्स कहते हैं। आपके एथिक्स है राइट एंड रॉन्ग। और इसका एक दूसरा वर्ड है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस हमारे अंदर की वो फिजिकल क्वालिटी है, कई लोग इसको फिजिकल भी कहते हैं, कुछ इसको कॉन्सेप्चुअल या स्पिरिचुअल क्वालिटी कहते हैं। तो हमारे अंदर की वो क्वालिटी जो कि हमारे एथिक्स बनाती है, या जो हमारे एथिक्स बना चुके होते हैं जिस क्वालिटी को, वो कॉन्शियंस कहलाती है। फिर हमने जिक्र किया था कि इट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। अगेन एक राइट एंड रॉन्ग है और एक गुड एंड बैड है। अच्छा, यहां से फिर हमारा जो डिफरेंस निकलता है कि गुड फॉर एवरीवन, गुड इज डिफरेंट एंड बैड इज डिफरेंट, और उसी की बेस पे फिर राइट एंड रॉन्ग भी हर एक के लिए डिफरेंट होते हैं। तो हमने बात की थी एथिक्स, नॉर्म्स और कल्चर में क्या फर्क है। एथिक्स आपके राइट एंड रॉन्ग है, नॉर्म्स वो है जो आप यूजुअली करते हैं, कल्चर वो है जो कलेक्टिवली नॉर्म्स बना के कॉन्सेप्ट बनाते हैं, दैट इज कल्चर। और हमने वो फैक्टर्स पढ़े थे, एज, जेंडर, सोशल क्लास, इनकम, अपब्रिंगिंग, फैमिली बैकग्राउंड एटसेट्रा, जो आपके एथिक्स को मुख्तलिफ बनाता है एक दूसरे से। और ये समझना और मानना बहुत जरूरी है कि हमारे एथिक्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो एक बड़ा मजे का टॉपिक जो हमने पढ़ा था, दैट वॉज एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने एक एक्शन में डिफरेंट एथिक्स में फंस जाते हैं। बोथ ऑप्शन सीम टू बी एथिकल और बोथ सीम टू बी अनएथिकल, एंड यू हैव टू चूज बिटवीन वन ऑफ देम। तो ये एथिकल डायलेमा, और लास्ट टाइम एथिकल डायलेमा में से एक आधा क्वेश्चन भी आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एथिकल डायलेमा को, क्योंकि एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, तो कुछ कुछ क्या बल्कि मैं आपको दो वीडियोस दिखाना चाहूंगा। ऑनलाइन लेक्चर की ये मौजूद है जी कि हम इसमें वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं और इसमें इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। सो मैं आपके साथ अब ये शेयर करना छोड़ता हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियोस। ये वीडियोस क्या है जी? ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स ने ये कुछ एग्जांपल्स या केस स्टडीज बनाई हैं, जो कि हम सदियों तो नहीं, दिहाइयों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और इससे हम एथिकल डायलेमा को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ से समझना जरूरी नहीं है, बल्कि एथिकल डायलेमा के अंदर से बचा कैसे जा सके या इसके अंदर से निकला कैसे जा सके, उसके लिए कुछ टिप्स भी शेयर की जाती हैं जी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की तरफ से। तो सबसे पहले जो वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज एथिकल डायलेमा नोन एज द प्रिजनर्स डायलेमा। इसको बड़े गौर से सुनिएगा, मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ। चलें जी, इसको देखें आराम से। Let's say Mr. Blue and Miss Red have each been arrested for some minor crime. The police think they committed a more serious crime, but they don't have enough evidence to convict them. They need a confession. They take them and put them in separate rooms so they can't talk and play a little game.
To try to force a confession, the police give them each a choice. Admit your partner committed the crime and you will go free. We'll pardon you for the minor crime, but your partner will have to spend 3 years in prison. If you stay silent and your partner lets us know that you were the one who really did it, then you're gonna have to go away for 3 years. They know that the police don't have any evidence, and if they both stay silent, then they will only go to prison 1 year each for the minor crime. If they both betray each other, then they'll both go to prison for 2 years each. Okay, each partner can do one of two things: stay silent or betray. Staying silent would be cooperating, and betraying would be defecting. If they both stay silent, then they each spend a year in prison. If one betrays and the other stays silent, then the betrayer goes free and the silent spends 3 years in prison. If they both betray, then it's 2 years each. So what are they going to do? Well, they should cooperate. That's the best option for the group, if we add the total number of years in prison. But let's take it from Red's perspective. If she thinks Blue is going to stay silent, then she should betray so she can go free. Going free is better than spending a year in prison. If she thinks he's going to betray her, then she should definitely betray. 2 years in jail is better than 3 and being made a fool of. Blue is in the exact same situation and will think the exact same thing. He should betray if she stays silent, and he should betray if she betrays. They should have both cooperated, but from an individual standpoint, they noticed they could always gain by defecting, if they have no control over what the other person's going to do. So they'll both defect to try to better their own situation, but come away not only hurting the group, but themselves. Individually, they're worse off than if they both cooperated. This situation is pretty made up, but it has some real-world analogs. A common example is with marketing. Let's say two cigarette companies, Red Strikes and Smooth Blue, are deciding how much money they should spend on advertising. Since the product they each make is identical to one another, advertising has a huge impact on sales. For simplicity, let's say their choices are to advertise a bunch or not advertise at all. And there's just 100 people in this society and they all smoke. If both don't advertise, then just by random chance picking cigarette boxes, 50 people buy Red Strikes and 50 people buy Smooth Blue. At $2 a pack, they each make $100. Let's say advertising costs $30. If one person advertises and the other does not, then 80 people will buy the cigarettes from the ads and 20 people buy the other ones. The advertiser makes $160 minus $30 for ads and comes away with $130. The non-advertiser didn't spend any money but only made $40. If they both advertise, again, half will buy Red Strikes and half will buy Smooth Blue. But since they both spent $30 on advertising, they only come away with $70 each. Same deal, both people cooperating and not advertising is the most preferable situation, but both companies can see that advertising will always make them more money. But unlike the prisoners in jail, these companies can talk and try to influence each other. From here, Blue would be better off if Red didn't advertise. Red wouldn't go for that because that would be worse for them. Blue could try to convince Red that they would both not advertise, the only other situation where they're both better off. But without any real obligation to each other, there's nothing that's stopping them from trying to advertise to gain more of the market anyway. If you think your opponent's gonna not advertise, then you're better off advertising. Although, we're still making assumptions to make this situation work too. With this model, we're assuming they only play once. The game changes when the players have a chance to build a relationship and work together to get more gains over time, or punish each other by not cooperating. Also, to make the model work, we have to make up rules for the players. Assume they're basically computer programs with predictable actions. These guys are creepier than they were in my head. They were supposed to be cute. For the prisoner's dilemma and other similar models, we're assuming they are rational agents. A rational agent is a hypothetical person that will always pick the option that they predict will work out best for them. They're not really thinking about the gains of someone else. Seems selfish, but it is something that real people generally do too. People always want what's best for themselves, and we don't like to be made a fool of. But if you put real people in the prisoner's dilemma, people don't always defect like the model predicts. In one study, 40 people playing Prisoner's Dilemma games through a computer without ever meeting or talking, only playing each opponent once, these are one-off games, using a payoff matrix that looks like this, cooperated an average of 22% of the time. These people never cooperated, these people always cooperated, these guys cooperated on half of their games, and everyone else is in between. This is a lot of cooperation coming from a model that predicts no cooperation. The largest group did act like rational agents, but most people tried to cooperate at least once. It's because, well, there's more to real people. We are social creatures, and even in one-off scenarios with no guarantees or obligations and no chance to build a relationship, we're still thinking about how the group might decide. We're actually thinking from the perspective of the group and making an optimistic decision. Cooperating an average of 20% of the time might not seem very optimistic, but remember, this is with absolutely no communication or obligations.
Anyways, that's not really the point. Using rational agents is still useful. The model is just trying to point out the dilemma of certain situations where people are actually hurting themselves when, counterintuitively, they're only thinking about themselves. And that's why we're modeling using the cold robotic psychopaths. So, ye ek video thi jo ki aapko thoda sa ethical dilemma से को समझाने की के लिए बनाई गई थी मेरी तरफ से ऑब्वियसली नहीं बनाई गई थी लेकिन जिसने भी बनाई थी इट वाज ये प्रिजनर्स डायलेमा एक कांसेप्ट है जो कि हमेशा से यूज किया जा रहा है एक आगे जाके हम इंशाल्लाह एक और प्रॉब्लम है ट्रॉली प्रॉब्लम तो ये भी हम पढ़ेंगे ये बड़े दो तीन फेमस डायलेमास हैं आपको समझाने के लिए एथिकल डायलेमा क्या होता है और उसके फायदे नुकसान भी बताए गए और उससे कैसे निकला जा सके जिस तरह आपने देखा कि अगर आप एथिकल डायलेमा से निकलना चाहते हैं तो एक जो चीज है दैट इज कोऑपरेशन तो आप कोऑपरेट अगर करें उन बॉडीज के साथ उन एंटिटीज के साथ जो कि इन्वॉल्व है एथिकल डायलेमा में तो यू कैन ऑलवेज वर्क आउट अ वे जिस तरह वो दो कंपनीज थी अगर वो आपस में मिलके ये डिसाइड करें कि हम दोनों मार्केटिंग नहीं करेंगे और हम शेयर अपना कर लेंगे तो आधा आधा कर लेंगे तो दे कैन कम आउट ऑफ इट लेकिन एक बात है कि यहाँ पे फिर एक चीज जो आपको एथिकल डायलेमा के लिए चाहिए स्पेशली इफ इट इज बिटवीन टू एंटिटीज वो है ट्रस्ट ट्रस्ट आपको जरूर करना है दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे और फिर आपको एक दूसरे को डिसीट नहीं करना धोखा वगैरह नहीं देना तो ये कुछ ऐसी मफरूजे हैं जो कि रियल वर्ल्ड में शायद आपको अजीब लगते हैं एटलीस्ट बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा अजीब लगता है ट्रस्ट और धोखा नहीं देना क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड के तो बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं धोखा भी देना और झूठ भी बोलना एटसेट्रा तो इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप एथिकल डायलेमा को अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए दैट इज इंफॉर्मेशन आपको तमाम एस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन की और तमाम पहलुओं का जायजा लेके अच्छा हो बुरा हो इंफॉर्मेशन इज द की किसी भी प्रॉब्लम एथिकल प्रॉब्लम से निकलने के लिए इंफॉर्मेशन इज द की यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड और मोस्टली रॉन्ग डिसीजन आर टेकन व्हेन यू आर इल इन्फॉर्म्ड और मिस इन्फॉर्म्ड तो इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अब कैसे एथिकल डायलेमास होते हैं कल एक क्वेश्चन भी किया गया था कि सर बिजनेस वर्ल्ड की एग्जाम्पल दें अगर आप तो एक वीडियो मैं चलाने लगा हूँ जिसमें बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आप लोगों को कल को इंशाल्लाह ताला बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर जब आप बनेंगे आप लोगों को किस तरह के एथिकल डायलेमास को फेस करना पड़ सकता है तो लेट्स सी एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मीनवाइल मैं आपके सीआरस और जीआरस को ये बताता चलूँ कि बेटा आप लोग अटेंडेंस ले लें इस टाइम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो 78 गए हैं तो आप लोग ये अटेंडेंस ले लें जी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक और डायलेमा है अच्छा जी मैं एक क्वेश्चन ले लूँ एक क्वेश्चन आया है उसके बाद फिर मैं शेयर करता हूँ अच्छा ये यहाँ पे आप लोग सॉरी वो अटेंडेंस लगा रहे हैं ठीक है जी आप लोग लगाएं सी आर जी आर आप लोग ये अटेंडेंस नोट करें और इसके बाद मैं साथ साथ ये वीडियो आप लोग देखें तब तक लेट्स बी ऑनेस्ट इवन द मोस्ट ऑनेस्ट ट्रूथफुल and ethical person will find him or herself in the midst of a full-blown ethical crisis at some time in his or her career. It is an unfortunate yet inevitable event from which no one escapes. Although you can't hide from ethical dilemmas, you can do something to prepare yourself. The first step is to become aware and equip yourself with knowledge and skills so you'll be ready to handle whatever comes your way. So, let's start with the question, What is ethics? Well, ethics are the basic moral ground rules by which we live our lives. We all have it. Either we have good ethics or bad ethics. You can't be devoid of it. Of course, you can have really, really bad ethics, but that in itself is a form of ethics. It all has to do with our conscience. Our conscience, that moral self-awareness of our behavior that tells us when something is right or wrong. The question is, what do we do with it? Especially in the workplace.
Well, despite your level of good ethics, you come to work and your employer has certain specific expectations of you, such as playing by the rules, obeying the law, being honest in your behavior and speech, to look out for the company's best interest, and to show respect for property and people. These are the basic ethical expectations of your employer. So, where do workplace ethical dilemmas come from? Understand that ethical dilemmas are everywhere. The workplace provides no shortage of ethical dilemmas to test your ethical decision-making skills. They lie in the way you deliver service or respond to crises, how you react to the policies and practices of your company, the choices you make personally and in team situations, how you fulfill your obligations to coworkers and customers, how you present your company and its products to customers and shareholders, how you deal with outside agencies, contractors, and vendors. Remember that everyone is watching you. Your ethics are always on display to others. Be aware and careful of how others perceive your actions. Of course, ethical dilemmas come in all shapes and sizes. Some ethical dilemmas are issues of conscience, while others come from outside your sphere of influence. Whatever kind of ethical dilemma is, each one has its own twist and strategy for getting through it. First, there are issues of conscience, such as, should I call in sick or go to the beach? Should I use the photocopy machine or my personal project? Should I use my computer laptop or my second job? Can I pocket a little extra cash by fudging a travel expense report that no one seems to notice? Of course, some of these issues have few stakeholders, and others that many stakeholders, such as, should I keep quiet about an unnoticeable but costly manufacturing mistake? When everyone else seems to ignore inflated sales and financial numbers, do you report it or just go with the flow? Do I report harassing or intimidating behavior of supervisors or others that could make trouble for me? For all these ethical dilemmas, there is usually a right and wrong answer, an ethical option and an unethical option. It may not be so easy because we have strong needs and feelings as well as the ability to rationalize and make excuses to get what we want. But you do have freedom of choice to make the wrong or right decision. And you are obligated as a functioning member of society to make the honest choice or suffer the consequences. This is why we have laws, police, and jails. We choose to obey and play by the rules or face punishment. It's our conscience and our choice. The other kind of ethical dilemma comes from outside your sphere of influence. You didn't ask for them, and you've done little, if anything, to encourage them. Examples might be, my boss is making lewd sexual remarks in advances. I work with someone who can't tell the truth. Our top management is corrupt and arrogant. A customer is always asking for special favors. I am pressured to cover up for the mismanagement of my supervisor. I am being isolated and discriminated against for my views. For these kinds of ethical dilemmas, you need strategy and a system to help. Your ingenuity, experience, and character may get you so far, but what you need are strategies that you can pull from your arsenal. Regardless of whether you're dealing with issues of conscience or with issues outside your जी बेटा सो ये जो वीडियो थी ये आपकी थोड़ी क्लेरिफिकेशन करती है कि व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स सॉरी व्हाट आर द एथिकल डायलेमास फेस्ड इन द बिजनेस ठीक है तो नाउ मूविंग ऑन एक मिनट जी मैं जरा वीडियो जी चले वापस आते हैं जी अपने सिलेबस की तरफ अच्छा इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस वीडियो में भी आपने एक दो नई चीजें सीखी कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि एथिकल डायलेमास दो किस्म के होते हैं वन व्हिच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय यू यानी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरे हैं वो जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते विच आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर इन्फ्लुएंस
तो ये बात भी समझना बहुत जरूरी है, कुछ एथिकल डायलेमास हमारे पास में नहीं होते, ठीक है, उनको आपको कंट्रोल नहीं करना, वो दूसरों की तरफ से आपके लिए डाले जाते हैं, तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। अच्छा तो चले जी, लेट्स मूव ऑन। और अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, विच इज द डिफरेंट अप्रोचेस टू एथिक्स। ये बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि देर आर डिफरेंट एथिक्स फॉर डिफरेंट पीपल। अब वो जो डिफरेंट एथिक्स का वर्ड मैंने यूज किया था, या अभी भी आपके सामने दिखा रहा है कि डिफरेंट एथिक्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो कि अब जो हम पढ़ने लगे वो बेसिकली टाइप्स ऑफ एथिक्स है, या डिफरेंट अप्रोचेस टू एथिक्स है। एक इंसान एथिक्स की तरफ क्या अप्रोच रखता है, और जिस तरह आपके सामने नाम लिखे आ रहे हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनमें से एक आधा शायद आपने सुना हो, कभी ये नए टर्म्स हैं आपके लिए ज्यादातर, और ये बेसिकली वो एथिक्स की टाइप्स हैं, और एक इंसान इनमें से किसी एक को फॉलो करता है, अमूमन दो को भी चले कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन दीज एथिक्स। ये क्या है जी, सबसे पहले है एब्सोल्यूटिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है कि देयर इज ओनली वन सेट ऑफ एथिक्स, एथिक्स एक ही किस्म के होते हैं, और ये एथिक्स चेंज नहीं होते विद सिचुएशन। जो चीज सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। दिस अप्रोच टुवर्ड्स एथिक्स इज नोन एज एब्सोल्यूटिज्म। देयर इज वन एब्सोल्यूट सेट ऑफ एथिक्स, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना गलत है, हर सिचुएशन में झूठ बोलना गलत है, चाहे इससे आपकी जान ही क्यों ना जा रही हो या कोई नुकसान ही क्यों ना हो, झूठ बोलना गलत है जी, ये है एब्सोल्यूटिज्म। अच्छा, तो इसके अलावा कत्ल करना किसी को गलत है, अब हर सिचुएशन में किसी को कत्ल करना एक गलत बात है, ये कौन कहेगा, ये वो कहेगा जो आप में से एब्सोल्यूटिस्ट है, यार हक और सच बात ये है, बस हर सिचुएशन में यही है, दिस वुड नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब कत्ल वाली जो मैंने एग्जांपल दिया आपने का बात तो सही है जी, कत्ल करना किसी भी सिचुएशन में गलत है, लेकिन अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप कहेंगे नहीं जी कत्ल करना भी शायद ठीक हो सिचुएशन अगर डिफरेंट कर दी जाए। तो दूसरा जो सिनेरियो दैट इज रिलेटिविज्म, जो कहता है कि इट इज देयर इज नो सेट ऑफ एथिक्स, एब्सोल्यूट सेट ऑफ एथिक्स, एथिक्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एथिक्स सिचुएशन की वजह से बदलते रहते हैं। ये कौन कह रहा है, रिलेटिविस्ट, रिलेटिविज्म वाला कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने कत्ल की बात की तो आपने तब तो कहा कि हाँ यार कत्ल करना हर सिचुएशन में गलत है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको कोई मारने आ रहा है और सेल्फ डिफेंस में आपने उसका कत्ल कर दिया, क्या ये सही है या गलत, आप में से मेजोरिटी कहेगी सही है, तो इस सिचुएशन में आपने कत्ल करने को जस्टिफाई कर दिया, या कोई किसी को मारने जा रहा था, 10-15 लोगों को मारने जा रहा था, आपने उसको मार दिया, एब्सोल्यूटिस्ट क्या कहेगा कि आपने गलत किया, बेशक वो 10-15 लोगों को मारने जा रहा था, आपको तो नहीं कत्ल करना चाहिए, वो उसका मामला है, आपका नहीं, आपने उसको कत्ल किया। रिलेटिविस्ट क्या कहेगा, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस सिचुएशन में कत्ल करना बेहतरीन बात थी या बेहतरीन हल था इस सिचुएशन का। तो ये दो जो सेट ऑफ एथिक्स है, दीज आर द टू फंडामेंटल अप्रोचेस टू एथिक्स, या तो आप एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं या आप रिलेटिविस्ट होते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं आगे टाइप्स ऑफ एथिक्स, ये इसी की दो, इन्हीं दो की शाखें हैं, ब्रांचेज हैं, बेसिकली यही दो टाइप्स ऑफ एथिक्स है हमारे पास, एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविज्म। अच्छा, फिर ज्यादातर दुनिया जो है, आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी, आज से 200-300 साल पहले एब्सोल्यूटिस्ट, और जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की, तरक्की सेंस के कॉम्प्लेक्स होती गई दुनिया, सोशल गैदरिंग्स कॉम्प्लेक्स होगी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कॉम्प्लेक्स होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता रिलेटिविज्म को फरोग मिल गई। और एक और मजे की बात यह है कि इवन अगर आप स्टडी करें तो
जो आपके दीन के अंदर भी रिलेटिविज्म कहीं कहीं मौजूद है, काफी जगहों पे बल्कि मौजूद है. फॉर एग्जांपल आपके लिए कत्ल करना ऑब्वियसली हराम है, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, लेकिन साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस में कत्ल करने की इजाजत दी गई है. और किसी की जान बचाने के लिए किसी को या ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए आपको इजाजत दी गई है. इसी तरह इस्लाम में कॉन्सेप्ट है हराम और हलाल खाने का. वो जो पोर्क है, पोर्क मीट, वो खाना हराम है, कतई तौर पे हराम है. लेकिन अगर आप मर रहे हो और कोई और सोर्स ऑफ फूड ना हो आपके पास, तो इवन आपको वो पोर्क मीट भी खाने की इजाजत है. तो इसी तरह आपके सामने और भी एग्जांपल्स आएंगी एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविज्म की आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आगे भी टाइप्स इन्हीं की है एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविज्म की. तो आप में से कुछ लोग अपने आप को शायद एब्सोल्यूटिज्म के साथ लिंक करते हो, कुछ लोग शायद ज्यादा अपने आप को रिलेटिविज्म के साथ लिंक करते हो. तो चले जी बढ़ते हैं आगे, इनकी टाइप्स क्या है और कैसे वो एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट है. इससे पहले मैं थोड़े से क्वेश्चंस ले लूं. वी आर रिलेटिविज्म, हसन मुगल साहब ने कहा, बड़ी मेहरबानी यार आपने बता दिया. अच्छा जी चलिए अटेंडेंस लिया. अब आगे बढ़ते हैं. डॉगमेटिक एंड प्रैग्मेटिक अप्रोचेस. डॉगमेटिक और प्रैग्मेटिक ये दोनों डराइव किए गए हैं फ्रॉम एब्सोल्यूटिज्म एंड रिलेटिविज्म. डॉगमेटिक जो है वो एब्सोल्यूटिज्म की एक शाख है, एक ब्रांच, और डॉगमेटिक इज डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डॉगमा, DOGMA. और डॉगमा का मतलब ग्रीक में होता है गिवन ट्रुथ. इसके मुताबिक पुराने वक्तों में ग्रीक माइथोलॉजी के जमाने में या ग्रीक एम्पायर के जमाने में ये कहा जाता था कि देयर इज अ गिवन ट्रुथ, यानी एक गिवन सेट ऑफ एथिक्स है, ये किसी भी हालत में नहीं बदलेगा. ये एब्सोल्यूटिज्म की ही एक टाइप है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है एब्सोल्यूटिज्म के मामले में, यानी एक्सट्रीम एब्सोल्यूट है. आगे हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूटिज्म में थोड़ी नरम शाख भी है, लेकिन डॉगमेटिक को एब्सोल्यूटिज्म के साथ कंफ्यूज ना करें. एब्सोल्यूटिज्म में से डॉगमेटिक निकला, ठीक है. तो एब्सोल्यूटिज्म की एक जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, एक्सट्रीम पोजिशन है, दैट इज डॉगमेटिक. देयर इज वन गिवन ट्रुथ, वो आपको जितना मर्जी अनरियलिस्टिक लगे, इनप्रैक्टिकल लगे, किसी भी दौर में सिचुएशन में यही है, ठीक है. इस तरह हालात जो है वो हमारे बदलते रहते हैं और दुनिया बदलती रहती है. डॉगमेटिक लोग दुनिया के बदलने को नहीं मानते, वो कहते हैं दुनिया जो मर्जी कर ले जी, बदल जाए जैसी मर्जी हो जाए, अलबत्ता देयर इज वन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने रिलीजन के अंदर भी एक एग्जांपल देता हूँ. कुछ लोग हैं एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है जी कि तस्वीर खिंचवाना कतई तौर पे हराम, कतई तौर पे. क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक दिस इज अ डॉगमा, एक गिवन ट्रूथ है कि तस्वीर हमें नहीं खिंचवानी. ये है डॉगमेटिक. उनको आप जितने मर्जी दलाइल दे दे कि जी आजकल इसके बगैर पासपोर्ट पे सफर नहीं होगा, हज और उमरे के लिए भी जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये करना ही पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है, तस्वीर खिंचवाना कभी कभी जायज हो सकता है. नो, दे वुड से नो. वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं वो लोग, और ये बहुत कम, अब तो बहुत कम तादाद पाई जाती है. आज से 1000-2000 साल पहले तो शायद सारे डॉगमेटिक होते थे कि बस यही सही है हर सिचुएशन में, क्योंकि तब सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती भी नहीं थी, बड़ी सिंपल लाइफ होती थी, सिंपल सिचुएशन होती थी, हाँ या ना वाली बातें होती थी. अब तो हाँ ना मगर अगर चूंकि चुनाचे ये सारे वर्ड्स भी आते जा रहे हैं ना, ये सिचुएशन भी मुख्तलिफ होती जा रही है और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. बट पहले एक जमाने में डॉगमा सारे डॉगमेटिक होते थे क्योंकि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी.
अच्छा फिर हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशंस भी कॉम्प्लेक्स होती गई और डिफरेंट फिलोसफर्स ने फिलोसफी हम आगे शुरू की, तो हम आगे प्रैग्मेटिज्म के ऊपर प्रैग्मेटिक हो गया। प्रैग्मेटिक अंग्रेजी का एक लफ्ज है जिसका मतलब है प्रैक्टिकल, और कहा गया कि डॉगमेटिक होने की बजाय हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए। प्रैक्टिकल होने का मतलब क्या है, तो कहते ना यार प्रैक्टिकल बात करो, रियलिस्टिक बात करो, हालांकि बात अगला सही कर रहा हूं लेकिन फिर भी हम उसे कहते हैं प्रैक्टिकल हो। इसका मतलब क्या है कि यार इस सिचुएशन में ये बात नहीं सूट कर रही, इस सिचुएशन में ये बात नहीं सूट कर रही, तो बी प्रैक्टिकल। तो प्रैग्मेटिक का मतलब है कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए और एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन की तलाश करनी चाहिए। प्रैग्मेटिक लोग जो है या ये रिलेटिविज्म की वो शाख है जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उन हालात के मुताबिक जो बनता है उसको चूज करते हैं। अब हो सकता है, ये बात समझने वाली है, कि प्रैग्मेटिक आदमी सिचुएशन का जायजा लेने के बाद यही फैसला करे कि डॉगमेटिक ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन अब उसने कहा सिचुएशन का जायजा लेने के बाद, इस तरह की झूठ बोलना गलत है। अब प्रैग्मेटिक आदमी पे फर्ज नहीं है कि ओके झूठ बोलना सही है, उस सिचुएशन का जायजा लेने के बाद कहेगा कि हाँ इस सिचुएशन में डॉगमेटिक आदमी ठीक कह रहा है कि झूठ बोलना गलत है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को खराब माल बेचा और डॉगमेटिक क्या कहेगा कि खराब माल बेचो ना बेचो झूठ बोलना गलत है, इस सिचुएशन में भी झूठ बोलना गलत है। प्रैग्मेटिक क्या करेगा, वो जायजा लेगा इससे क्या फायदा नुकसान हो रहा है, क्या झूठ बोले बगैर अवॉइड किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, इस तरह की कुछ बातें करके वो कहेगा हाँ डॉगमेटिक ठीक कह रहा है कि बाकी झूठ बोलना गलत है। तो ये जरूरी नहीं कि आपने हर हाल में एक बुरी बात को जस्टिफाई करना है, प्रैग्मेटिक भी उसको गलत ही कह सकता है। ये डिफरेंस है जी, ये टू अप्रोचेस है, टू सब ब्रांच। जी बेटा हम लोग सॉरी फ्लो में पता नहीं चला, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, तो हम लोग बात कर रहे थे डॉगमेटिक और प्रैग्मेटिक की। तो प्रैग्मेटिक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आपको याद होगा हम जब मैट्रिक के अंदर ग्राफ बनाया करते थे मैथ्स में, तो हमने स्ट्रेट लाइन बनानी होती थी एक, वो स्ट्रेट लाइन हम किस तरह बनाते थे, हम डॉट्स डालते थे, कोऑर्डिनेट्स जिसको आप कहते हैं पॉइंट्स डालते थे और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाती थी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता था कि वो जो डॉट्स है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे होते थे, तो उसमें हम क्या करते थे, हम फिर उस केस में जो लाइन ड्रॉ करते थे उसको कहते थे बेस्ट फिट लाइन, यानी वो लाइन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स को ज्वाइन करे, तो हम कहते थे ये सबसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। अब इसमें ऑब्वियसली सारे डॉट्स को तो नहीं हम ज्वाइन कर सके, लेकिन ये हमारा बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है। सो दिस इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। अच्छा जी आप लोग अपनी अटेंडेंस फिर लगा दें, और ये आप देख लीजिएगा कि रोल नंबर और ऊपर जो नाम है वो भी मैच करने चाहिए, CRGR आप लोग प्लीज अटेंडेंस लगा लें, ठीक है। मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी लेता रहता हूँ, तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम क्लास में अटेंडेंस लगा के चले जाएंगे तो बेटा फिर आप लोग बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम हर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में मैं ये स्क्रीनशॉट्स लेता जाता हूँ। चले जी खैर आप लोग अटेंडेंस लगाते रहे, तब तक फिर उसके बाद सवाल देखेंगे। अच्छा जी अब ये था एब्सोल्यूटिज्म रिलेटिविज्म और उनकी दो शाखें जो के हैं डॉगमेटिक और प्रैग्मेटिक। अब नेक्स्ट जो दो ब्रांचेस हैं इन दोनों की, एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविज्म की, इनमें से इनका नाम है डियोन्टोलॉजी विच इज अ ब्रांच ऑफ सब टाइप ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, और इसके बाद हमारे पास है टेलियोलॉजी, ये ब्रांच है रिलेटिविज्म की। अब हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूटिज्म एंड रिलेटिविज्म इन द फर्स्ट प्लेस, ये देखते हैं। तो बड़े मजे के टॉपिक्स हैं जी डियोन्टोलॉजी एंड टेलियोलॉजी। चलें देखते हैं डियोन्टोलॉजी क्या है। डियोन्टोलॉजी भी
एब्सोल्यूटिज्म की एक टाइप है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है एज कंपेयर टू डॉगमेटिक। डॉगमेटिक ने तो कह दिया बाय हुक और बाय क्रूक यही है, और हमने कह दिया तो बस यही है, यही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन डियोन्टोलॉजी में क्या होता है, डियोन्टोलॉजी मैंने बता दूं, डियोन और लॉगोस ये दो वर्ड से मिला है। डियोन का मतलब है ऑब्लिगेशन और लॉगोस का मतलब है स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन विच हैज टू बी पेड ऑफ। तो है ये भी एब्सोल्यूटिज्म की टाइप कि भाई यही सही है, लेकिन ये डॉगमेटिक से थोड़ी सी लीनियंट है। और ये लीनियंट कैसे है इसके बारे में देखते हैं अभी, लेकिन पहले मैं बताता चलूं कि इसी का एक नाम है कैंटियनिज्म। ये कैंटियनिज्म इसकी एक मेन शाख है। कैंटियनिज्म बनी है इमैनुअल कैंट, एक साइकोलॉजिस्ट थे बल्कि एथिकल थ्योरिस्ट थे, और उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया था डियोन्टोलॉजी को बनाने में भी, और इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज पेश की थी, तो इसीलिए इसको कैंटियनिज्म भी कहा जाता है। तो कैंटियनिज्म या डियोन्टोलॉजी कहती है कि यस हम मानते हैं कि देयर इज अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड एक्शंस जो कि सही होते हैं, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है। उन्होंने कहा आप खुद ही देखें कि ये सही है या गलत, और जिस चीज को आप सही कह दें वो फिर हर सिचुएशन में सही है। यानी ये डिफरेंस है बिटवीन डॉगमेटिक एंड डियोन्टोलॉजिकल व्यूज, के डियोन्टोलॉजिकल व्यूज में वो आपको एक चॉइस देते हैं कि हम नहीं आपको बता रहे क्या सही है क्या गलत है, आप लोगों ने खुद स्टडी करनी है और उस स्टडी करने के बाद खुद ही आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज अनएथिकल। एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द एथिकल एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अब जो आपने एक दफा फैसला कर लिया एथिकल है वो हर सिचुएशन में एथिकल होगा, लेकिन फैसला आप पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती है एज कम्पेयर टू डॉगमेटिक व्यू। ये एब्सोल्यूटिज्म की वो टाइप है जो आपको एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करने में करने का टास्क देती है। अब कैसे कोई आइडेंटिफाई करेगा कि कौन या क्या बात सही है क्या बात गलत है, तो इसके लिए इमैनुअल कांट ने थ्री मैक्सिम टेस्ट दिया है। उन्होंने कहा कि ये तीन वो क्वालिटीज है जो एक एक्शन में बात में बिलीफ में अगर पाई जाए तो वो एथिकल है वरना अनएथिकल। यहाँ पे थोड़ा आपको जो मैं कह रहा था कि थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती है तो यहाँ पे दी जाती है, इट इज अप टू यू नाउ कि आप इन तीन चीजों के ऊपर अपने एक्शन को अपनी बात को बिलीफ को गो थ्रू करें और फिर डिसाइड करें क्या चीज सही है और गलत है, और उसके बाद जो आप डिसाइड करेंगे वो हर सिचुएशन में सही या गलत। एक मिनट जी मैं देख लूंगी ठीक है ये अटेंडेंस। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं 5-5 मिनट के बाद उनके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और अगर किसी को बेटा पूरी रूल्स है कि अगर किसी ने बात करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोले बगैर नहीं होगा तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है। और रेज हैंड करेंगे तो फिर बोलना भी पड़ेगा, इस तरह किसी ने शरारत नहीं करनी, रेज हैंड करके लोअर हैंड कर लेना तो ये भी नोट किया जाएगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। चले हाँ जी, वो तीन करैक्टरिस्टिक्स क्या है, थ्री मैक्सिम्स क्या है। नंबर वन इज कंसिस्टेंसी। एन एथिकल बिहेवियर और बिलीफ should be ethical in all times. yani aap agar kisi cheez ko acha ya bura samajh rahe hain to usko acha aapne har situation mein samajhna hai. kya aap usko acha samajh rahe hain har situation mein? aisa to nahi ki aap kisi situation mein usko acha aur kisi mein bura samajh rahe ho. sorry
तो ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा है तो भाई रुक जाए, इसका मतलब वो चीज हमारी नजर में, डियंटोलॉजी की नजर में एथिकल नहीं है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक एक्शन हर सिचुएशन में अगर आपको सही लग रहा है तो वो एथिकल होगा। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी इस बात में कि आप उसको हर सिचुएशन में सही समझ रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, तो ये थी कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कत्ल करने को कहते हैं कि कत्ल करना बुरा है। क्या कत्ल करना आम हालात में बुरा है? बिल्कुल बुरा है। क्या कत्ल करना जंग के अलावा बुरा है? बुरा है। लेकिन क्या जंग के अंदर दुश्मन फौजी को कत्ल करना बुरा है? नहीं यार, वहां पे तो डाउट है। क्या कत्ल करना सेल्फ डिफेंस में बुरा है? नहीं यार, वहां पे तो इतना बुरा नहीं। तो भाई फिर साइड पे जाओ। फिर आपका जो बिलीफ है कि कत्ल करना बुरा है या कत्ल करना अच्छा है, वो हमारी नजर में ये टेस्ट पे पास नहीं कर रहा। वो कत्ल करने को आप, यानी आपकी अपनी जो थिंकिंग है उसके मुताबिक आप इसको एब्सोल्यूट नहीं समझ रहे। आप इसका मतलब है रिलेटिविस्ट है, आप इस केस में रिलेटिविस्ट है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में उसको बुरा अच्छा समझ रहे हैं कत्ल करने को, वो आप इसको ये रूल नहीं बना सकते अपनी जिंदगी के एब्सोल्यूटिज्म के तहत ही कत्ल करना बुरा है। इसका मतलब है फिर आप एब्सोल्यूटिस्ट है ही नहीं, तो इस दौड़ से ही आप बाहर निकल जाए। अच्छा जी, कुछ सवाल हुए इकट्ठे को मैं देख लू। डराए तो नहीं, ईसा ने कहा जो भी है जी, फेक ईसा है या ओरिजिनल ईसा है ये मुझे नहीं पता। यार ये चैट जो है ये प्राइवेट फिर कर दे तो अगर आप लोग आपस में बात करेंगे। चलें, प्राइवेट हो गया, ठीक है। हाँ कर दी खत्म भाई, खत्म कर दी। अच्छा अब आपने बेटा सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन है 315 का। सर ऑल आर ऑल अदर अप्रोचेस अनएथिकल फॉर अ सर्टेन अप्रोच। और अरूज ने कहा है डियोन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी दोबारा बता दे। और बेटा अभी तो बताया ही नहीं मैंने, क्या कर रहे हो? डियोन्टोलॉजी बता रहा हूँ और टेलियोलॉजी तो अभी बताना है। अच्छा, ऑल अदर अप्रोचेस आर एथिकल फॉर अ सर्टेन अप्रोच। हाँ जी, यहाँ पे इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म कहता है कि कुछ चीजें एथिकल है, कुछ चीजें अनएथिकल है, कुछ चीजों में एब्सोल्यूटिस्ट ठीक है, कुछ चीजों में एब्सोल्यूटिस्ट गलत है। ये अप्रोच इटसेल्फ रिलेटिविस्ट है। तो कोई भी हम यहाँ पे बहस कर नहीं रहे कि क्या सही है क्या गलत है, हम आपको बेसिकली डिफरेंसेस बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सैलिटी भी बताने लगो यार, आप सब्र तो करो, क्या बात है। तो नंबर वन इज कंसिस्टेंसी। डियोन्टोलॉजी के मुताबिक नंबर वन टेस्ट फॉर एनी एथिकल प्रैक्टिस इज कंसिस्टेंसी। दूसरा यूनिवर्सैलिटी। आप अगर किसी चीज को एथिकल समझ रहे हो तो क्या सब उसको एथिकल समझ रहे हैं? या सब तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी को उस चीज को एथिकल समझना चाहिए, और अगर मेजॉरिटी उस चीज को एथिकल समझ रही है तो वो एथिकल है, और अगर नहीं तो वो अनएथिकल। इसी तरह अगर कंसिस्टेंटली वो काम अच्छा है तो वो एथिकल है, कंसिस्टेंटली नहीं अच्छा तो वो अनएथिकल है। ठीक है जी, सर हमने बात की कि कत्ल करना जो है आपकी नजर में किसी सिचुएशन में अच्छा है किसी में बुरा है, तो भाई दिस इज कत्ल करना इज अनएथिकल। इसी तरह वो हर सिचुएशन में मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसको समझते हैं अगर अनएथिकल, तो ये फिर अनएथिकल होगा। अगर उसको 20% दुनिया के लोग गलत समझ रहे हैं तो फिर ये अनएथिकल नहीं होगा। यही मैं बात आ जाती है वो जो हमने पहले लेक्चर में एग्जांपल दी थी सिगरेट पीने की। तो सिगरेट इज अ सोशली एक्सेप्टेड ड्रग। तो सिगरेट पीने को मेजॉरिटी अगर बुरा नहीं समझ रही तो वो अनएथिकल नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट क्या कहेगा? ये जो डॉगमेटिक है, डॉगमेटिक कहेगा यार वो हर हाल में बुरा है सिगरेट पीना। लेकिन डियंटोलॉजिस्ट क्या कहेगा? क्या सिगरेट हर सिचुएशन में पीना बुरा है?
आप कहेंगे नहीं जी कुछ सिचुएशन में अच्छा है शादी ब्याह पे, अब हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो जिन मुआशरों में बहुत ज्यादा पी जाती है वो तो कहेंगे, खास तौर पे लड़के कहेंगे जी खाने के बाद पीना अच्छा है, वो तो मस्ट हो जाती है, फोन खाने से पहले पीना अच्छा है, सो के उठ के पीना अच्छा है, सोने के बाद पीना अच्छा है, तो वो तो फिर हर चीज में अच्छा कहेंगे ना। तो एक फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पीना कंसिस्टेंटली अच्छा है, हर सिचुएशन में अच्छा है, और दूसरी बात है क्या मेजोरिटी दुनिया को अच्छा समझ रही है या नहीं। तो ये चीजें कंसिस्टेंट भी हैं, अगर सिगरेट पीना कंसिस्टेंटली भी बुरा नहीं है और ज्यादातर दुनिया भी इसको बुरा नहीं समझ रही, तो इन दो टेस्ट के, इन दो मैक्सिम्स के मुताबिक, कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक सिगरेट पीना अनएथिकल नहीं है। बट यहां पे आ जाती है तीसरी चीज, और ये मैं बताता चलूं कि कैंट के मुताबिक अगर ये तीनों चीजों पे कोई एक्शन पूरा उतरता है तो वो एथिकल होगा, वरना एथिकल या अनएथिकल होगा। इन तीनों चीजों पे पूरा उतरना जरूरी है, वो अनएथिकल होगा अगर ये तीनों में से कोई एक पॉइंट में भी वो बात गलत साबित हो, तो ये पूरे का पूरा एक्शन अनएथिकल समझा जाएगा। सिगरेट पीने की मैंने एग्जांपल, सिगरेट पीना जी मिसाल के तौर पे हर सिचुएशन में बुरा नहीं है, कुछ लोगों के मुताबिक एक मुआशरा ऐसा है जिसके लिए ये बुरा नहीं है हर सिचुएशन में, फिर उस मुआशरे के मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी लोग इसको बुरा नहीं समझते, लेकिन तीसरी बात आ गई कि क्या वो चीज ह्यूमन डिग्निटी को अफेक्ट करती है नेगेटिवली या नहीं। अब यहां पर डिग्निटी का मतलब सिर्फ डिग्निटी ही नहीं, इज्जत ही नहीं, इज्जत साइकोलॉजिकल हार्म, फिजियोलॉजिकल हार्म, इवन फिजिकल हार्म भी, स्पिरिचुअल हार्म, किसी भी किस्म का अगर हार्म किया जा रहा है ह्यूमन डिग्निटी को तो वो चीज अच्छी नहीं है। और सिगरेट के बारे में अगर बात की जाए तो सिगरेट जो है इंसानी सेहत के लिए, ख्वाह वो आप ही क्यों ना हो, आप ही तो इंसान है, आपकी बारी, आपकी बात भी हो रही है, आप हो या इवन आसपास वाले भी जब पैसिव स्मोकिंग करते हैं तो उनको नुकसान होता है सिगरेट से, तो यहाँ पे आके सिगरेट बैन कीजिए। ये कंसिस्टेंसी भी बेशक थी लोगों के बिलीफ में, यूनिवर्सैलिटी भी थी, लेकिन अगेन ह्यूमन डिग्निटी के मुताबिक सिगरेट जो है वो दैट इज अफेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी इन अ नेगेटिव वे, तो इस केस में सिगरेट पीना वुड बी डिक्लेयर्ड एज अनएथिकल। तो ये तीन टेस्ट, तीनों के ऊपर इनको पूरा उतरना चाहिए, तब जाके कोई एक्शन एथिकल या अनएथिकल होगा, एथिकल होगा बेसिकली। अच्छा, फिर है डिवाइन कमांड थ्योरी, एक मिनट जी मैं क्वेश्चंस ले लूं फिर आगे बढ़ते हैं। आजकल कोरोना आया हुआ है, क्या होगी बारी ईसा साहब। शरोज ने पूछा है सर काइंडली गिव वन एग्जांपल व्हिच कवर्स ऑल थ्री पॉइंट्स। ये अभी मैंने बेटा सिगरेट वाली बताई है कि अगर एक मुआशरे में आप रह रहे हैं, चले अल्कोहल की भी बात कर ले, कि वेस्ट में अल्कोहल पीना इज अलाउड इन एनी सिचुएशन, साथ ही साथ मेजॉरिटी वहां की दुनिया समझती है कि इसमें बुराई नहीं है, पी सकते हैं जी, और लेकिन ये ह्यूमन डिग्निटी को अफेक्ट करती है इसलिए ये अलाउड नहीं है। अच्छा, फिर चले एक अच्छाई है चैरिटी करना, ठीक है। अब चैरिटी क्या हर सिचुएशन में करना अच्छा है? बिल्कुल, हर सिचुएशन में चैरिटी करनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। क्या मेजॉरिटी लोग समझते हैं चैरिटी करना अच्छा है? बिल्कुल जी, मेजॉरिटी दुनिया यही समझती है कि चैरिटी करना अच्छा है। और ह्यूमन डिग्निटी पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं? नहीं जी, बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट है। सो इस केस में चैरिटी इज एन एथिकल थिंग, चैरिटी करना एथिकल है। अच्छा, फिर सवाल है आयशा का, ह्यूमन डिग्निटी बता दे प्लीज। बेटा ह्यूमन डिग्निटी का मतलब है कि किसी ना किसी फॉर्म में ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाना, तो नहीं है डिग्निटी का ही वर्ड हम यूज कर रहे हैं, डिग्निटी में उसकी फिजिकल डिग्निटी, उसकी मेंटल डिग्निटी, वेल बींग आ जाती है, तो इंसान को किसी किस्म का नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। मेजॉरिटी हमने सिर्फ
हसन का सवाल है उस स्पेसिफिक सोसाइटी में देखनी है, यहाँ पे इख्तलाफ भी कह लें या क्लैरिटी नहीं है, आपकी जहां तक सोच है या पहुंच है आप उस इलाके को देख सकते हैं। वैसे तो यूनिवर्सैलिटी का मतलब है पूरी दुनिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जी, कोई मसला नहीं, लेकिन इसका मतलब यूनिवर्सैलिटी का दुनिया ही होता है। सोच तो बहुत दूर तक है फिर, हाँ बात तो यार सोच तो फिर गुजरा वाला तक है मेरी इस टाइम। अच्छा जी चले अब 5 मिनट के लिए क्वेश्चन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है जी डिवाइन कमांड थ्योरी। अच्छा ये भी एब्सोल्यूटिज्म की एक टाइप है, डिटोलॉजी के अंदर से ही निकली है। इसके मुताबिक डिवाइन का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड या एनीथिंग रिलेटेड टू द डिवाइन, अल्लाह से रिलेटेड कोई चीज हो तो उसको हम कहते हैं जो डिवाइन है। अच्छा यार एक रेज हैंड किया है किसी ने, सयाम ने, सयाम ने नहीं सॉरी रेज हैंड किया है हमजा ने। हमजा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, बोले जी सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने वो दो क्वेश्चन किए थे आपके, वो जिनसे इन तीनों की ना एक एक बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कोई एग्जांपल थी, तो आपने मेरा देखा ही नहीं क्वेश्चन। नहीं ये दोबारा बोले जी। मैंने कहा इन तीनों की ये जोन से हैं मैक्सिमम, इनकी इन तीनों की एक एक एग्जांपल बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। अब मैंने वैसे इनकी एग्जांपल दी तो है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ सर, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में नहीं वो तो। हाँ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा पूछ रहे हैं ठीक है जी, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको बता देता हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ बेटा आप सबको कि अभी हमारा सब्जेक्ट तो बिजनेस एथिक्स है, वैसे अभी हम एथिक्स को जनरल पढ़ रहे हैं ठीक है, बिजनेस एथिक्स की तरफ हम इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते बाद आएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको सिर्फ एथिक्स को समझने की कोशिश करें। बट स्टिल इसकी एग्जाम्पल एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं हम, जिस तरह टाइम पे आना ठीक है, ऑफिस टाइम पे आना। अब ऑफिस टाइम पे आना जो है वो हर रोज ऑफिस टाइम पे आना चाहिए? बिल्कुल जी, हर रोज आना चाहिए आपको ऑफिस टाइम पे, ऑफिस टाइम में हर रोज आना, हर सिचुएशन में आना सही है, अच्छी बात है। अच्छा फिर मेजॉरिटी लोग भी यही समझते हैं कि ऑफिस में टाइम पे आना अच्छी बात है। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वैसे दुनिया भर की बात करो कि ऑफिस टाइम पे आना यूनिवर्सली इज एन एक्सेप्टेड गुड, एक अच्छी चीज है और ह्यूमन डिग्निटी। अगर आप ऑफिस टाइम पे आते हैं तो आप ना अपने आप को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं ना किसी और को पहुंचा रहे हैं, तो ऑफिस टाइम पे आना इज एन एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस ठीक है। इसी तरह मैं कहूंगा कि अकाउंट्स को छुपाना ना ठीक है, या मिस वो क्या कहते हैं अकाउंट्स में हेर फेर करना ठीक है, ये एक देख लेते हैं। अकाउंट्स में हेर फेर करना कंसिस्टेंटली अगर आप हेर फेर करते हैं तो क्या ये किसी सिचुएशन में सही है या ये किसी सिचुएशन में सही नहीं है। फिर यूनिवर्सैलिटी, मेजोरिटी लोग ये समझते हैं अकाउंट्स में हेर फेर करना इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ह्यूमन डिग्निटी, ये नुकसान पहुंचा रहा है, हर एक को नुकसान पहुंचा रहा है, शेयर होल्डर से लेके गवर्नमेंट से लेके एम्प्लॉय सबको ये नुकसान पहुंचा रहा है, तो अकाउंट्स की कंसीलिंग या अकाउंट्स की मिस रिप्रेजेंटेशन इज एन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दीज थ्री मैक्सिम ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ना इसमें डिफ्रेंशिएट कर दूं बिटवीन रिलेटिविज्म या टेलियोलॉजी, आगे हम पढ़ेंगे। टेलियोलॉजी क्या कहेगी, वो ये कि आपने एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया ना कि अकाउंट्स में रद्दो बदल करना अनएथिकल है, तो अब ये हर सिचुएशन में अनएथिकल है। वेयर एज रिलेटिविज्म में क्या होगा कि नहीं यार अभी भी हो सकता है कि किसी सिचुएशन में टैक्स से बचने के लिए या फिर आपके शेयर होल्डर्स बेचारे मार रहे हो और नुकसान हो रहा हो तो उनको बचाने के लिए शायद आप कर सकते हो। डियंटोलॉजी में ये अब नहीं, ये तीन चीजों पे देखा आपने, वंस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड देन यू कैन नॉट चेंज दिस कॉन्सेप्ट ओके। अच्छा जी एक सवाल शायद सयाम का था वो मैं देख लूं। स्लाइड शो हो रही है यार, शेयर की है मैंने। सिंगिंग एथिकल है या अनएथिकल? ओ भाई ये एथिकल और अनएथिकल इसमें देखे ना, वो मैंने कहा था कि एथिक्स डिफरेंट होते हैं, उनकी एक रीजन रिलीजन की भी होती है ठीक है, तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। और अगली बेसिकली थ्योरी
रिलीजन से रिलेटेड मैं बताता हूँ। एन एथिकल रिलेटिविज्म, अभी मैं वही बताने लगा, ये आप पहले देख लें कि ये होती क्या है, डिवाइन कमांड थ्योरी। अच्छा, अब रेज हैंड किया था यासिर ने, स्लाइड का मेरा ख्याल पूछना था। चले डिवाइन कमांड थ्योरी, चले जी 5 मिनट के लिए चाहे आप सब, आई मीन इधर ही नहीं चार्ट से गए। डिवाइन कमांड थ्योरी, डिवाइन इज एनीथिंग रिलेटेड टू द ऑलमाइटी अल्लाह गॉड। डिवाइन कमांड थ्योरिस्ट जो है वो कहते हैं कि जो खुदा ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया, वो ही सही है। यानी व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द डिवाइन, बाय द ऑलमाइटी, और जो उसने हलाल कह दिया वो हलाल है, जो उसने हराम कह दिया वो हर सिचुएशन में हराम है। तो बेसिकली ये बहस करने का कोई मकसद ही नहीं, ये पहला और शायद द ओनली रिलीजियस पर्सपेक्टिव है ऑफ एथिक्स। डिवाइन कमांड थ्योरी कहती है कि रिलीजन की इंपॉर्टेंस है जी, रिलीजन में जो चीज है वो है, जो चीज नहीं वो नहीं, और ये रिलीजन के बारे में एब्सोल्यूट है। यानी ये रिलीजन से हट के अगर कोई बात है तो इसको नहीं मानेंगे। डिवाइन कमांड थ्योरी के जो पैरोकार है वो कहेंगे कि अच्छा है या बुरा है जो भी है वो खुदा ने बता दिया, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं मानते, ये इस पोजिशन के अंदर एब्सोल्यूट है। इसका ये मतलब नहीं कि रिलेटिविस्ट होंगे कि अल्लाह ने अगर एक चीज में रिलेटिविज्म दे दिया है, ये एब्सोल्यूट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो चीज अल्लाह ने दी है वही है, ठीक है, इसके अलावा आप इधर उधर नहीं हो सकते। तो सही है ये गलत, ये बात की बात है, जो मुसलमानों को तो ये बात कोई बुरी नहीं लगती, ये सारी बात है, अल्लाह ने जो कहा वही बेहतर है, लेकिन डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। और इवन कई लोग जो एथिस्ट होते हैं उनका पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा डिवाइन कमांड थ्योरी से, वो तो खुदा को नाउज बिल्ला मानते ही नहीं है। तो इसीलिए डिवाइन कमांड थ्योरी डजंट अप्लाई टू ऑल, हाँ रिलीजियस लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, वहाँ वो कोई भी रिलीजन का हो, बट अगेन रिलीजन आर डिफरेंट। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजन से हटके भी बात करनी चाहिए, ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव में वो कहते हैं इंसानियत की बात करें और सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग है और ये वो। मैं तो इस बहस पे जा ही नहीं रहा कि कौन सी है कौन गलत, आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि इस कुछ लोग इससे हटके भी बात करते हैं। तो ये थी कि डियंटोलॉजी एब्सोल्यूट पोजिशन ऑन समथिंग, ये है डियंटोलॉजी। अच्छा, अब रिलेटिविज्म की एक बड़ी मजे की टाइप है टेलियोलॉजी। तो टेलियोलॉजी जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, टेलोस एंड लॉगोस, और ग्रीक वर्ड्स है। टेलोस का मतलब है पर्पस और स्टडी का मतलब है, लॉगोस का मतलब है स्टडी। अच्छा, यहाँ पर टेलियोलॉजी की भी एक बात जो मेरे से स्किप हो गई थी, सॉरी, वो मैं आपको बता दूं। टेलियोलॉजी के साथ ही डिफाइन करते हैं इसको। जो डियंटोलॉजी या टेलियोलॉजी है, दीज बोथ हैव वन थिंग डिफरेंशिएटिंग, एक मेन डिफरेंस है इन दोनों में, और वो क्या है? डियंटोलॉजी कहती है कि द एक्शन इटसेल्फ इज राइट एंड रॉन्ग एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रिजल्ट्स। एक चीज का एक्शन का एक एक्शन ही सही है या गलत है, और उसके लिए फिर 3 मैक्सिमम टेस्ट हमें दे दिया गया है, इस एक्शन को इन तीनों पे गुजार के देखें, तो रिजल्ट नहीं डिटरमिन करेगा कि कोई चीज सही है या गलत, एक्शन करेगा। ये डियंटोलॉजी कह रही है। टेलियोलॉजी कहती है कि एक्शन डिटरमिन करेगा वेदर एन एक्शन इज सॉरी रिजल्ट डिटरमिन करेगा वेदर एन एक्शन इज गुड और बैड। तो रिजल्ट क्या है इसका, इससे निकला क्या जी, इस एक्शन से इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, फायदा हुआ नुकसान हुआ। तो अगर तो इसका एंड रिजल्ट अच्छा था तो ये काम अच्छा है, बेशक एब्सोल्यूटिस्ट इसको बुरा कहते रहे, लेकिन अगर इसका रिजल्ट
बुरा था तो ये एक्शन बुरा है और इट इज एक्चुअली द रिजल्ट दैट डिटरमाइंस whether an action is good or bad. The action itself is not good or bad. The result बताएंगे हमें कि action सही है या गलत. Whereas deontology कहता है कि action ही सही और गलत होते हैं. Results के ऊपर आपको नहीं base करना चाहिए किसी ethical या unethical action को. ये इंटरनल difference है. इसीलिए इसको teleology को consequentialism भी कहते हैं. यानी consequence को देखें. कि consequence क्या था इस action का. और उसके मुताबिक फिर इसको अच्छा या बुरा समझा जाएगा. कॉन्सिक्वेंस का लफ्ज आप याद रखिएगा. दिस इज टेलियोलॉजी. अच्छा, ये दो बड़े मशहूर फिलोसोफर थे ग्रीक्स, सुकरात और अरस्तु. सोक्रेट्स एंड अरिस्टोटल, ये आपने सुना होगा. ये उनकी थ्योरीज भी कुछ इसी पे बेस करती है. ये अच्छाई करेगी, सबके लिए अच्छाई करें, एक्शन जो है वो ऐसा करें कि सबके लिए अच्छा हो, या अच्छाई को फरोग दिया एक सोसाइटी के तौर पे अच्छाई को ले गया है अरिस्टोटल साहब. और इस कॉन्सेप्ट को हम अरिस्टोटलिज्म भी कहते हैं कि लोगों के लिए अब अच्छाई का इसका रिजल्ट होगा. दिस इज टेलियोलॉजी. अब टेलियोलॉजी की आगे तीन किस्में हैं, इगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और ऑल्ट्रुइज्म. ये बेसिकली तीनों टेलियोलॉजी से तीन अप्रोचेस निकलती है. कि रिजल्ट जो है, हमने बात की रिजल्ट की, रिजल्ट से क्या मतलब है जी. तो रिजल्ट ये तीन किस्म के हम डिस्कस करेंगे, इगोइज्म वर्सेस यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस ऑल्ट्रुइज्म. ये तीनों टेलियोलॉजी के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं. थैरे जी, मैं दो तीन सवाल ले लू. अच्छा, अहमद नदीम कह रहा है स्क्रीन नजर नहीं आ रही. मेरा ख्याल है सबकी सबको आ रही है. तो आ रही है यार, आप लोग शायद बाद में आए हैं. अच्छा, शहर का सवाल है. अच्छा सर, फिर तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है तो वो यही कहेगा कि मेरे अंडर जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब उसी रिलीजन के रूल्स फॉलो करें. हाँ जी, अगर वो डिवाइन कमांड थ्योरी का, समझ रहे हैं, अगर आपका बॉस डिवाइन कमांड थ्योरी का पैरोकार है, उसको मानने वाला है, फिर ही कहेगा ना. वरना तो अगर वो नहीं मानता उसको, या वो एब्सोल्यूट नहीं है कि यार ठीक है इस चीज में हम, जिस तरह हम कहेंगे कि जी चलो यार हर रिलीजन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है तो हम इस चीज को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. दिस मीन्स वी आर नॉट एब्सोल्यूटिस्ट, हम रिलेटिविस्ट हैं इस चीज में, क्या हम मानते हैं. अगर वो करेगा तो बेटा करेगा, फिर क्या कर सकते हैं, वो फॉलो करवाएगा. होता भी ऐसे, फॉलो करवाते भी हैं अक्सर. दिस इज There is nothing we can do about it. अच्छा, फिर egoism, utilitarianism और altruism. दो तीन मिनट रह गए, अगर बीच में खत्म हो जाए तो माजरत. CR और GR बार बार आप अटेंडेंस देखते रहे जी, तीन शॉट्स लेते रहे. तो बात करते हैं egoism की. egoism नाम से आइडिया हो रहा है ईगो, यानी अपने आप को समझना सब कुछ. और egoism के मुताबिक वो रिजल्ट अच्छा है जो आपके लिए अच्छा है. आपको अगर फायदा है तो वो एक्शन अच्छा है. जिस तरह अगर आप बैंक लूटते हैं, बैंक लूटने से क्या होगा, आप अमीर हो जाएंगे. जिंदगी मैं इंसान कहेगा जी मेरी जिंदगी सुकून में जाएगी, मैं तो ऐश करूंगा आराम से, बाकी बांट लूंगा, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी. दिस इज ईगोइज्म. बैंक लूटा तो है गलत या सही, ये कौन डिटरमिन कर रहा है, रिजल्ट. और रिजल्ट भी कौन देख रहा है, एक इंसान सिर्फ अपने ऊपर देख रहा है कि मैं, मेरे ऊपर इस चीज का क्या इफेक्ट. This is known as egoism. कि मेरे पे रिजल्ट अच्छा है या बुरा है. अच्छा, egoism का बिल्कुल उल्ट है जी altruism. Altruism में इंसान अपने आप को देखता ही नहीं है. वो कहता है जी मैं तो ही नहीं कुछ, मैं तो बना ही इंसान ही, जिंदगी ही इंसान की दूसरों की खिदमत के लिए है, तो मैं अपने आप को तो बिल्कुल ही साइड पे कर देता हूँ. तो लोगों के लिए ही अच्छा होना चाहिए और सबके लिए अच्छा होना चाहिए. एक चीज सबके लिए रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तभी वो एक्शन अच्छा है. इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ बेटा, अब्दुल सत्तार ईदी की, मदर टेरेसा की, डॉक्टर रूथ फा की, ये वो हस्तियां थी जिन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल ही वक्फ कर दिया और दूसरों की अच्छाई के लिए ही काम करते रहे. इवन सबसे बेहतरीन मिसाल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये बल्कि तमाम पैगंबरान जो थे वो अपनी जिंदगी को साइड पर करके दूसरों के लिए ही
سوچتے تھے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے بارے میں ہی سوچتے تھے. دس از آلٹروزم, آپ اپنے آپ کو بالکل نکال دیں. ٹھیک ہے, تیسری ٹائپ ان دونوں کے درمیان کی ہے یوٹیلیٹیرینزم. یوٹیلیٹیرینزم ویو کہتا ہے کہ اے ریزلٹ از گڈ اف اٹ از گڈ فار دا میکسیمم. اب آپ یہ ایگوئزم سے کیسے مختلف ہے اور الٹروئزم سے کیسے مختلف ہے یا ان دونوں سے کس طرح مشابہت رکھتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہے ہیں. الٹروئزم میں تو آپ اپنے آپ کو نکال دیتے تھے اور ایگوئزم میں صرف اپنے آپ کو ہی دیکھتے تھے. یہ اس میں آپ اپنے آپ کو بھی ایک انسان سمجھ رہے ہیں اور ایکولی امپورٹنس دے رہے ہیں جتنی ساتھ والے کو دے رہے ہیں. تو ایک چیز یوٹیلیٹیرینزم کے مطابق اچھی ہے اگر وہ میجورٹی کے لیے اچھی ہے. اس کی میں جلدی سے مثال دے دوں, ٹائم ختم ہونے والا ہے. رابن ہوڈ کی, رابن ہوڈ کیا کرتا تھا, ایک کریکٹر ہے فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا, وہ امیروں سے لوٹتا تھا اور غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ایک امیر کو لوٹا ہے تو 100 غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے امیروں کو لوٹنا یا اپنے ایکشن کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے یوٹیلیٹیرینزم کے تھرو کہ ایک کا ایک کے لیے اگر برا ہے تو زیادہ کے لیے اچھا ہے. تو اسی لیے ایکشن ایتھیکل ہے. چلے جی, ہم یہیں سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے ایگوئزم, یوٹیلیٹیرینزم اور الٹروئزم سے. تو انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی اب